अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची से मैं हूं मेयर। और आज हम मौजूद हैं प्रिसेंट 3 और 4 के दरमियान एवेन्यू 4 की लोकेशन पे, और इस टाइम हम रुख कर रहे हैं मलिक स्क्वायर की जानिब। आज की वीडियो में आपको टूर करवाएंगे मिडवे बी और मिडवे ए कमर्शियल का। इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोज़ जो हैं वो इस कमर्शियल एरिया पर दे चुके हैं, और आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको कमर्शियल जो बैरिया टाउन का मेन कमर्शियल एरिया है जो रिटेल के हवाले से फेमस है उसका टूर करवाया जाए, और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है, जो नई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही हैं और जो दीगर नए प्रोजेक्ट्स जो इसमें बन रहे हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। इस टाइम हम मलिक स्क्वायर की लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर 266 स्क्वायर यार्ड का लिबर्टी कमर्शियल एरिया है, और लिबर्टी कमर्शियल की सराउंडिंग से हटके अगर देखें तो दरमियान में हमें मिडवे ए और मिडवे बी की जो कमर्शियल एरिया वो नज़र आ जाता है। हमारे कैमरा में आप देख रहे हैं इस टाइम बिल्कुल सामने जो मिडवे ए की लोकेशन शुरू हो जाती है यहाँ से, इसमें 133 गज़ के जो हैं वो कमर्शियल दिए गए हैं। और इस टाइम कंस्ट्रक्शन की अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट 50-60% जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में जो है वो पोजेशन दे दिया गया है फूड कोर्ट की तर्ज, और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं बैंक्स हैं, फूड कोर्ट में हमें खाने पीने की अशिया जो है वो आसानी से मिल जाती हैं। इसी तरह जो रिटेल का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सैनिटरी की शॉप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इसमें चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, सारी जो आउटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। हमारे राइट साइड पे इस टाइम जो है वो मिडवे ए का कमर्शियल एरिया है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो लिबर्टी कमर्शियल का एरिया जो 266 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं। इस टाइम हम एवेन्यू 4 से निकल के एवेन्यू 5 पे आ चुके हैं, और इसमें मिडवे बी का जो इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। इससे पहले जो लोग मेन जिना को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, मेन जिना एवेन्यू पे जो 500 स्क्वायर यार्ड पे जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट दिए गए थे, और लोगों को पार्किंग का काफ़ी इशू है, लोग मतलब इतनी महंगी प्रॉपर्टी बाय करने के बाद जो है वो कहते हैं जी यहाँ पे पार्किंग नहीं है, और दीगर जो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, मतलब मसलन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, मेंटेनेंस है, ये प्राइवेटली जो है वो लोग अब इसको मैनेज कर रहे हैं जो लोग उस बिल्डिंग को जो है ऑपरेट करते हैं। इस कमर्शियल एरिया में जो लाइट है वो प्रॉपर बहरिया के अंडर है, बाकी जो जिना एवेन्यू का कमर्शियल एरिया है उधर अभी तक जो है हमें बहरिया की तरफ से कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता, और प्राइवेटली जो है वो जनरेटर्स का जो है वो बैकअप दिया गया उसमें। हमारे राइट साइड पर इस टाइम बहरिया हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस की वजह से मिडवे बी कमर्शियल एरिया की अफादियत जो है वो और बढ़ जाती है। इसी तरह इसमें दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, मिडवे ए और मिडवे बी। अब मिडवे ए के जो प्लॉट्स हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं वो टू साइड ओपन हैं, उनमें भी पार्किंग जो है वो मुनासिब है, और मिडवे बी की खासियत ये है कि उसमें मस्जिद दी गई है, मिडवे ए में अभी उधर मस्जिद नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं मिडवे बी को सिर्फ मस्जिद की वजह से कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए हमें मस्जिद का जो है वो इस्तेमाल आ जाता है उसमें। हमारे बिल्कुल सामने हम मिडवे बी की लोकेशन देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट जो है, और इस टाइम हमें जो यहाँ पे ऑफिस मुख्तलिफ साइज़ के ऑफिसेज हैं वो देखने को मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हमारे पास ऑप्शन हैं, और कैश पेमेंट पे जो रेडी टू मूव जो ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे, मतलब फ़र्स्ट फ्लोर का जो इस टाइम एवरेज रेट है वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये है, और सेकंड फ्लोर पे हमें 13.5-14 हज़ार रुपये। इसी तरह ऑनवर्ड जो है रेट्स जो हैं वो आगे जितनी हाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे रेट्स कम होना शुरू करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो कमर्शियल शोरूम का जो साइज़ है वो आप कह सकते हैं कि 950 से 1000 स्क्वायर फीट का जो हॉल है वो हमें मिल जाता है, उस पर अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है। अगर हम कंपैरेटिवली किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को देखें, मतलब हम अगर कोई विला बाय करते हैं जिसकी एवरेज प्राइस 2 करोड़ पे है,
तो उसके एवज अगर यहाँ पे 2 करोड़ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 0.4 to 0.5% जो है वो रेंट जो है वो अर्न करने को मिलता है। हमारे राइट साइड पे फूड कोर्ट का एरिया, मतलब यहाँ पे हमें खाने पीने की अशिया और दीगर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मिडवे बी का जो कमर्शियल की इफादियत है उसमें और इजाफा होता है। यहाँ पे सराउंडिंग में रेजिडेंशियल एरिया में प्रेसेंट 6 है, प्रेसेंट 4 है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो लिबर्टी कमर्शियल की बैक साइड पर, यहाँ पे जो है वो प्रेसेंट 6 का एरिया शुरू हो जाता है। और मिडवे बी का जो कमर्शियल एरिया है उसमें इस टाइम हमें आप इंस्टॉलमेंट पे शोरूम्स, शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं। और इसी तरह इसमें लिबर्टी कमर्शियल के एरिया में हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।